टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ राखीजा, राखीजा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज से चलाओ गाइस, अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ एनजीपी। मम्मी की ट्रेन है आज, तो मम्मी और भाई को वहाँ पर ट्रेन पकड़ा करके लौट आएंगे। और मैं हूँ और मेरे साथ है मिस काजल और हम दोनों निकल चुके हैं एनजीपी के लिए। और मार्केट से हमें कुछ शॉपिंग भी करनी है मम्मी के लिए, तो चलिए चलते हैं, सफर का मजा लेते हैं। रास्ते में काजल पानी पीने रुके थी तो हमें पास में खेत मिल गया। यहाँ पर इतना पानी का सुंदर सा कलकल कलकल आवाज़ आ रही थी, सो मैं देखने चली गई। और चले मैंने सोचा कि मैं देख रही हूँ तो क्यों ना आपको भी दिखाऊं, सो हम थोड़ा सा रिकॉर्ड करने लग गए। तो अब चलिए चलते हैं। हे गाइस, हम प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं। हमारी ट्रेन 2 घंटे लेट हो चुकी है, सो हम वेट कर रहे हैं कि ट्रेन आ जाए। ट्रेन का क्या कहना, 1 घंटे 2 घंटे लेट होना नॉर्मल बात है। वो हमारे साथ है करण। हेलो करण। मम्मी काजल। तो हम चारों प्लेटफॉर्म पे इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का। हे गाइस, अभी 9:43 हो रहा है और हम जा रहे हैं घर। तो फाइनली ट्रेन आ गई, तो हमने ट्रेन पर मम्मी और भाई को चढ़ा दिया और अब जा रहे हैं घर।
पहली बार इतनी रात को मैं स्कूटी से घर जा रही हूँ। और काजल को तो आदत है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाती रहती है, पर मेरा फर्स्ट टाइम है। पापा टेंशन कर रहे हैं कि अच्छा नहीं लग रहा, बट खासतौर पे रात के टाइम कुत्ते बहुत ज्यादा रोड पे भूखते हैं, जहाँ स्कूटी देखी कि नहीं, कोई गाड़ी देखी कि नहीं, स्टार्ट। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, खासतौर पे रात के समय और अनजान शहर में। अनजान शहर में नहीं, मतलब रोड पे कुत्ते भूखते हुए मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है।